तो गाइस पिछली वीडियो में देखा कि यार मेरी बाइक में टैंक का और साइड पैनल का इशू था। तो गाइस आज इसी इशू को सॉल्व कराने हम मैकेनिक के पास जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम प्लास्टिक वेल्डिंग से जो ये ज्वाइंट है इनको जोड़ने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और शायद इस वीडियो को देखे आपके जो बाइक का टैंक का इशू है वो सॉल्व हो जाए। और गाइस मेरे को कितना कॉस्ट आया प्लास्टिक वेल्डिंग का, वो सारा आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास। और अगर आप गाइस चंडीगढ़ पंचकुला ही मोहाली में रहते हैं और एफजेड वर्जन 3 के ओनर है और आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, तो गाइस आप सेक्टर 38 की मोटर मार्केट में आके किसी से पूछ सकते हैं कि भाई प्लास्टिक वेल्डिंग कहाँ पर होती है, तो कोई मैकेनिक आपको उस शॉप की लोकेशन बता देगा। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth. तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बाइक की जो दिक्कत थी टैंक की और साइड वाले पैनल की वो सॉल्व हो चुके हैं और काफी मजबूती आ चुके गाइस प्लास्टिक वेल्डिंग कराने के बाद। और गाइस अगर आपको लग रहा है कि गाइस वीडियो खत्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है। तो गाइस कल एक और वीडियो आने वाले है जिसमें मैं अपनी बाइक को स्मोक रैप कराने वाला हूं और गाइस कैसे लुक आएगी स्मोक कराने के बाद वो तो आपको यार वीडियो में ही पता चलेगा। और गाइस तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिले आपसे नए वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।